मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्ट अवर टूडेज क्लास इन अ सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी। इन प्रीवियस क्लास वी रीड द चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज। इन दिस चैप्टर वी लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज। नाउ वी आर स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक विच इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है और किन जगहों पे ये सबसे ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग को सामुदायिक सहकारी कृषि भी कहते हैं। सहकारी या कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जब अकेले कृषि न करके एक संस्था बना करके, एक ग्रुप बना करके एग्रीकल्चर किया जाए ताकि उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कम रिसोर्स लगे। रिसोर्स इन द सेंस कि ऐसे रिसोर्स जिसको कोई व्यक्ति अकेले न खरीद सके, उसकी कैपेसिटी अकेले उसको खरीदने की न हो, और फिर उन रिसोर्सेस को वो कलेक्टिवली कैपिटल इन्वेस्ट करके खरीदें ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो तेज़ी से बढ़े, प्रॉफिट गेनिंग हो। तो इससे क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फार्मर के ऊपर भार कम पड़ता है और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाते हैं, अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, टेक्निक्स मिलते हैं, मशीनरी मिलते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो है खास करके वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही हैं और स्टार्ट भी वहीं से हुई हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट वेस्टर्न यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इन जगहों से स्टार्ट हुई। और डेनमार्क तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, डेनमार्क में ये सफल हुआ कलेक्टिव फार्मिंग। और अगर देखिए तो एक बिहेवियरल तरीके से, व्यवहारिक रूप से वहाँ पे हर फार्मर कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेंबर है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव फार्मिंग जो कि एक इंस्टीट्यूशन बना करके फार्मिंग की जाए, एक समुदाय, एक ग्रुप बना करके फार्मिंग की जाए, इसे कहते हैं। और काफ़ी सफल भी रहा है, खास करके डेनमार्क जैसे देशों में काफ़ी सफल रहा है। ऐसी फार्मिंग से जो फार्मर्स हैं उनके लाभ भी, यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़े हैं। और ये फार्मिंग करीब एक शताब्दी पहले, यानी करीब 100 साल पहले ये मूवमेंट शुरू हुआ था, इस कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट। तो इसके बाद जो आता है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसे हम सामूहिक कृषि भी कह सकते हैं। हिंदी में से सामूहिक कृषि कहते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस में जो USSR की फार्मिंग मेथड्स देखे होंगे, ये कुछ उसी प्रकार से मिलता जुलता है कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि पूरा समुदाय, यानी कि पूरी कम्युनिटी मिल करके एक लैंड मास पे फार्मिंग करे, खेती करे, इसे कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन के मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरी सोसाइटी का अधिकार हो, या कुछ कुछ कम्युनिज्म से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट रहा है। और USSR से ही ये स्टार्ट हुआ है। कलेक्टिव लेबरिंग यानी कलेक्टिव सामूहिक श्रम का कॉन्सेप्ट है, एंड कलेक्टिव फार्म्स यानी कि सामूहिक जो कृषि युक्त भूमि है उसके बारे में, यानी कि जो कलेक्टिव फार्म्स एंड कलेक्टिव लेबरिंग, यानी कि पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय मिलकर के खेती कर रहा है, खेती करे, तो इस प्रकार की फार्मिंग को कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। और USSR में इसे कोलखोज का नाम दिया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करिएगा कि इसे कोलखोज USSR में कहा गया। और इसमें गवर्नमेंट का भी एक तरीके से इंटरफेयर रहता है। गवर्नमेंट ईयरली प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन हो साल भर में, उसको निर्धारित करती है। और जो कृषक हैं वो फिर रेंट पे इक्विपमेंट्स को लेते हैं और उस रेंट को कृषक को ही भरना पड़ता है। और जो प्रोडक्शन के बाद जो उनको एक तरीके से लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो कृषक यानी फार्मर्स के बीच बांट देते हैं। तो इस प्रकार का ये सिस्टम है। और बहुत सोवियत संघ ने और उसके बाद के बहुत सारे सोशलिस्ट कंट्रीज़ ने इस प्रकार के फार्मिंग को अपनाया। आज के डेट में ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इससे सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कि इसका कारण क्या रहा है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग। हालांकि देखा जाए तो माइनिंग एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड से होने वाला काम है और काफ़ी इसमें स्किल्स चाहिए, फिर भी माइनिंग को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में इसलिए रखते हैं ताकि क्योंकि स्टार्टिंग एरा से ही, प्राचीन काल से ही, बहुत एंशियंट पीरियड से ही माइनिंग प्रोसेस से ह्यूमन जुड़ा रहा है। जैसे कि आप जो कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज देखे होंगे, तो इन सब एज में यानी तांबा, कांसा और लोहा का जो युग रहा है, इन सब एज में मनुष्य ने माइनिंग के द्वारा ही इन प्रोडक्ट्स को निकाला, उनका यूज़ किया, उनको मॉडिफाई किया, तो इस वजह से इसे प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, इसे हथियार बनाए, बर्तन बनाए। और अगर इसका रियल डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से माइनिंग प्रोसेस ज़्यादा विकास किया, ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रचलन में आया। और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो मेन कारक हैं, मेन रीजंस हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं जिससे ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिससे ये प्रभावित होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग द साइज, ग्रेड, मोड, अकरेंस एंड डिपॉजिट्स पहला है, और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड फॉर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो जो पहला कारक है उसमें सीधी सी बात है कि इसके फिजिकल जो अफेक्टिंग रीजंस हैं, जिसमें कि जो माइनिंग एरियाज हैं वो कितने बड़े एरियाज हैं या किस प्रकार से एक्सट्रैक्शंस हो सकते हैं, और दूसरा है कि दूसरा इकोनॉमिक बेस पे है कि कितना उसका डिमांड है ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके किस प्रकार से मार्केट में बेचें। और उसके बाद माइनिंग के जो मेथड्स हैं, तो अब तो काफ़ी मेथड्स बढ़ गए हैं, काफ़ी मेथड्स साइंटिफिक हो गए हैं। तो जो माइनिंग में सबसे पुराना मेथड रहा है वो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड रहा है, शाफ्ट मेथड भी इसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पे जो ओर्स रहते हैं, यानी कि जो अयस्क होते हैं, यानी कि मिनरल्स के जो एक तरीके से रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा जो सामान रहता है, वो ज़मीन के अंदर एक तरीके से नीचे गहराई में धंसा होता है, तो बाकायदे उसे होल बना करके, एक आप देखिए जो ऊपर इमेज दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, एक बाकायदे होल बना करके उसके नीचे जा करके अयस्क को या उन रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता है, जैसे सॉफ्ट मेथड भी कहते हैं, अंडरग्राउंड मेथड भी कहते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड कहते हैं। और इस प्रकार से ये अयस्क को बाहर निकाल करके यूज़ में लाया जाता है। वर्टिकली इसे पहले डीप एक तरीके से वर्टिकल पूरा शेप दिया जाता है उस माइनिंग प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए, उस रॉ मटेरियल तक पहुंचने के लिए, और बकायदे बेल्ट वगैरह लगा करके नीचे भेजा जाता है उन लेबर्स को, और फिर वहां से वो उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकल के आते हैं, और लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत एक तरीके से ये खतरे भरा भी काम रहता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे जो हार्मफुल गैस होते हैं वो भी वहाँ से लीक होते हैं। और हालांकि इस प्रकार के मेथड से जो बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज वाले कंट्रीज़ हैं वो इस प्रकार के मेथड से अब हट रहे हैं और काफ़ी प्रोसेस्ड कर रहे हैं इसको, प्रोसेस्ड नहीं बल्कि प्रोहिबिटेड, सॉरी वर्ड गलत यूज़ करते हैं, प्रोहिबिटेड यानी कि एक तरीके से रोक लगा रहे हैं इस पर। कारण ये रहा है कि बहुत इसमें काफ़ी रिस्क रहा है, और जो लैंड वो लेबर्स होते हैं उनके लाइफ को लेकर काफ़ी रिस्क रहता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो इन टाइप के माइनिंग एक्टिविटीज़ में अभी लगे हुए हैं, और कारण ये रहता है कि अपनी जनता या अपने देश को विकसित करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करना ज़रूरी है ताकि मिनरल्स के बिहाफ पे अपनी इकोनॉमी को वो सुधार सके। तो इस प्रकार से हमारा आज प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। और आगे जो भी आपके डाउट्स हों तो उसको क्लियर करिएगा।